नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने दिल्ली के एक नए स्थान इंडिया गेट पर। इसका नाइट व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा, शाम का नज़ारा भी दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत जैसा आप देख रहे हो। बस आपसे निवेदन यह है कि मेरी मेहनत के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, आपसे विनम्र निवेदन है। ऐसा है, आज बड़ा मौसम अच्छा था, मैंने सोचा कहाँ जाऊँ, तो मैंने कहा यार दोस्तों के लिए आज इंडिया गेट जाना चाहिए। मैं इंडिया गेट गया, वहाँ का व्यू बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जिसका कोई जवाब नहीं, इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ आने के लिए हमें मेट्रो से भी आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं, ऑटो से भी, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। वैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेट्रो से सबसे आसान है, हमें सेंट्रल सेक्रेटरी के स्टेशन पर उतरना है, वहाँ से उतरने के बाद गेट नंबर 3 पर वहाँ से एग्ज़िट करना है, और वहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे, गेट नंबर 3 से देख रहे हो जैसे निकलने का रास्ता है, जो कि 3 नंबर गेट से हम बाहर निकल जाएंगे, तो वहाँ से अगर पैदल आओ तो 1.5 किलोमीटर आप हमारे को पैदल चलना पड़ेगा, जो आपको पथ दिखाई दे रहा है ये। अगर आप बस से आना चाहो तो बस से आ जाओ, 1.5 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो ऑटो भी आप करके हाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फिर हमने देखे बड़ी अच्छी अच्छी झीलें थी, ये जो झीलें आपको नज़र आ रही हैं इनमें पहले नाव चलती थी, जिन्हों अभी रोकी हुई हैं। G20 समिट के बाद तो और भी सुंदर बना दिया गया है ये इलाका, और आप ये देखिए बहुत ही बेहतरीन जगह, जहाँ पर आप अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी ला करके आप दिखा सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। देखिए शाम को लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं मेरी, और देखो ये लाइटें कितनी सुंदर लग रही हैं। अभी मैं आपको नाइट व्यूज़ सारे दिखाऊंगा जो वहाँ के हैं, एक एक बेहतरीन जगह हैं। ये देखिए यहाँ के सारे नाइट व्यूज़ मैंने लिए हैं, ये देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ आप शाम को कभी मन करे तो इधर घूमने जरूर आइए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपसे विनम्र निवेदन है। इससे मेरा हौसला बढ़ता है और थोड़ी सी आप हिम्मत बनती है, आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ से। अब उन्होंने सड़क को बंद करके सब जगह से सबवे बना दिया है, और यहाँ पर जगह जगह पट्टियाँ लगी हुई हैं, जिसको आप पढ़ करके देख सकते हैं कि इंडिया गेट का इतिहास क्या है, कैसे है। वहीं से देखिए ये रहा, पहले यहाँ अमर जवान ज्योति जला करती थी, वो बंद कर दी गई है, अब उसको हटा करके बगल में शहीद स्मारक में शिफ्ट कर दिया गया। सामने जो बीच में से नज़र आ रहा है वो सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीरें जो नज़र आ रही है, पहले से किंग्सवे वे कहते थे, फिर राजपथ कहने लगे, जहाँ से हमारे को राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट दोनों आमने सामने नज़र आते हैं। ये बिल्कुल लुटियंस जोन है, क्योंकि इसको बनाने का जो काम करा था लुटियंस ने करा था, और ये बड़ा बेहतरीन जगह है। और शाम के वक्त क्राउड भी बहुत अच्छा होता है, और ऐसा लगता है पूरी दिल्ली यहीं, क्या नाम है, शाम गुजारने के लिए आती हो। बहुत सुंदर जगह, खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है, और आप जब आओगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। और अब तो बहुत ही सुंदर है, G20 के बाद तो बहुत ही सुंदर हो गया है, और आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर आएँ यहाँ पर एक बारी फैमिली को लेकर के शाम के वक्त। चिल्ड्रन पार्क भी है छोटे बच्चों के लिए। ये हमारे क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर, यहीं पर शहीद स्मारक है, अमर जवान ज्योति में जो जलती थी वो शहीद स्मारक में शिफ्ट कर दी गई है। ये सामने फुहारा, बेहतरीन नज़ारे देखते हुए आपसे बहुत सुंदर व्यूज़ हैं, सारे व्यूज़ मैंने आपके लिए कैप्चर किए हैं, आप इन्हें ज़रूर रहें और देखें। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी और जगह अगर मैंने अच्छी बताई हो, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।